यार सबसे पहले तो आप ही रोना बंद करो। बदतमीजी है ये, क्या बदतमीजी है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं टेंशन में बैठी हूँ, मत टच करो, तो क्या रोना धोना ये नहीं लग रहा, मैं किसी से ऐसे पैसे मांगू नहीं यार, मेरे फ्रेंड्स हो के वो मुझे नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, पकड़ो आप पैसे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेके मलिक, और वापस आ गया तुम्हारा भाई। यार इस वीडियो के अंदर ना थोड़ा सा इमोशनल मामला बन गया यार, पता है, क्योंकि एक लड़की बैठी हुई थी साइड में, तो उसकी कहानी क्या है क्या नहीं है, प्लीज आप वीडियो के अंदर जाके देखो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो प्लीज, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, और आप वीडियो पूरी देखो, ठीक है, मिलता हूँ वीडियो में। एक्सक्यूज मी, हाय, कैन आई सिट हियर यार? हाय यार, मैं आपको ना बहुत देर से देख रहा था, मैं बैठा हुआ था अपनी फ्रेंड के साथ, आप रो रहे थे यार। हाँ जी, क्यों रो रहे हो आप यार, इतनी क्यूट लड़की है ना, रोते हुए अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी? आपको बताए इतनी लंबी पूंछ निकलती है मेरी, आपको बैठना है ना, आप शांति से बैठ जाओ, मैं बहुत टेंशन में, आप साइड क्यों, मैं मजाक नहीं यार, एक तो मैं आपका मूड ठीक करना चाह रहा हूँ, क्या हुआ क्या, क्या मूड ठीक करोगे आप, हुआ क्या, क्या मूड ठीक कर लोगे यार, आप बहुत क्यूट लग रहे हो यार, ऐसे मत देखो यार, साइड मत हो आप प्लीज, साइड मत हो वरना आपसे प्यार हो जाएगा मुझे। क्या हुआ, सैड क्यों हो यार, क्या बोलूं मैं आपको, सैड क्यों हो आप, हा? यार सबसे पहले तो आप ही रोना बंद करो। बदतमीजी है ये, क्या बदतमीजी है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं टेंशन में बैठी हूँ, मत टच करो, तो क्या रोना धोना ये, फालतू का लगा रखा है आपने। यार आप रो क्यों रहे हो ये तो बताओ यार, हाँ मेरे को मैं कैसे बैठा हूँ, आप आके टच कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। एक्सक्यूज मी यार, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, ठीक है ना, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप यहाँ पे परेशान बैठी हुई हो, बहुत देर से रोई जा रही हो, अब तो ये रोना बंद कर लो प्लीज, बता दो क्या परेशानी है, हाँ क्या हुआ मैडम, हुआ क्या, क्यों परेशान बैठे हो अकेले पार्क में, अकेले पार्क में आता, टेंशन का हल ही तो ढूंढने आता है। हुआ क्या यहाँ, क्या टेंशन का हल कौन निकाल रहा है आपकी टेंशन का हल, अकेले बैठ के रोई जा रहे हो, अंदर को जो होता है सब निकल जाएगा रो रो के। हुआ क्या परेशानी तो बताओ, क्या परेशानी है, आप हल से निकाल सकते हो इस परेशानी को? यार अगर हो सकेगा मेरे बस की तो मैं निकाल दूंगा, बताओ तो सही क्या परेशानी है, अगर शेयर करने लायक है तो शेयर कर लो प्लीज यार, इंसान इंसान के काम आता है, ठीक है, गलत नहीं, इंसान नहीं हूँ मैंने तुम्हें इतनी तेज मेरे रैप्टा मार दिया मुंह पे यार, सुख अच्छा लगा आपको? सॉरी यार, सॉरी बोल रहे हो, एक बात बताओ, आप रो रहे हो ठीक है, मेरा कोई मैं कोई बैड टच नहीं कर रहा आपको, मेरे को मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था, मैं पार्क में इधर आया हुआ था अपना टहलने के लिए, मैंने देखा यार लड़की बैठी हुई है, पता नहीं क्यों रो रही है, क्यों नहीं रो रही है, हुआ क्या प्रॉब्लम, क्या हुआ, आजकल लोग इतना है नहीं ना कोई पूछने वाला, यार नहीं है जब ही तो आया हूँ मैं पूछने के लिए, और लड़कियां आके बहन क्या एटीट्यूड में आके पता नहीं क्या क्या समझने लगती हैं, यार कोई इंसान दुख मुसीबत में है उसको अगर आके देख लिया किसी ने तो गलती कर दी क्या, फिर यार अब बताओ क्या परेशानी, एकदम आके टच किया ना मैडम जी, मैंने टच नहीं किया, आप रो रहे थे, मैंने कहा इसको आंसू, यहाँ से आंसू हटाने को बैड टच नहीं बोलते हैं, समझ रही हो, मेरे को आपको यहाँ टच करके मेरे को कुछ मिल नहीं जाएगा, मेरे को खुशी नहीं मिल जाएगी, समझ रही हो, सॉरी कमाल है यार, सॉरी यार, इंसान इधर उधर टच करता है ना तब समझ में आता है कि हाँ यार इसने मेरे को बैड टच किया, अब रो रहे थे मैंने हाथ हटाया, आंसू पोंछने जाए आपके, अब तो बताओ क्या परेशानी, क्या बताओ तो सही, कुछ नहीं, वो मैं मतलब जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ, हाँ वहाँ एक आंटी है, तो उनका जो बेटा है ना, हाँ वो थोड़ा बीमार है, अच्छा, तो वो आंटी है उनको थोड़ी पैसों की नीड थी, तो वो काफी आते जाते मैं देखती थी, आंटी हॉस्पिटल आना जाना होता था, हाँ तो एक मैंने बोला आंटी क्या हुआ, आंटी बैठी हुई थी बहुत परेशान थी, मैंने कहा आंटी क्या हुआ, हाँ तो ऐसे ऐसे ना मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, हाँ तो मुझे ना बेटा पैसों की बहुत नीड है, हाँ तो मैंने बोला आंटी ने मुझे बोला अगर बेटा, मैं तो उनके फ्लैट के सामने रहती हूँ, आंटी ने बोला अगर बेटा आपके पास पैसे हों तो क्या कहते हैं आप मुझे दे दो, और वो बहुत टेंशन में थी, रो रही थी, और उन्होंने मुझसे फर्स्ट टाइम हेल्प मांगी, मैम अगर मुझे भी कुछ नीड होती थी तो मैं आंटी से जाके ले लेती थी, आंटी मुझे ऐसा ऐसा क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, तो उन आंटी ने बोला मुझे ऐसे मतलब बेटा मुझे पैसों की बहुत नीड है, और मैं उनको मतलब उनकी हेल्प ही नहीं कर पाई मैं बिल्कुल भी, बस मतलब पैसे नहीं थे और उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी, मैं मेरी सैलरी भी नहीं मिली ताकि मैं उनको दे दूँ, तो थोड़ा अजीब फील लगा, मैंने कहा किसी इंसान ने मुझसे हेल्प मांगी और मैं उसकी हेल्प ही नहीं कर पाई। तो मतलब उनके बेटे को क्या परेशानी है? उनके बेटे को ब्लड कैंसर है। ओए होए।
ये तो यार काफी समस्या वाली बात है। और आपको पता है ना कीमो 6,000-7,000 का लगता है एक इंजेक्शन, तो थोड़ा बस उसी चीज में ये है यार मैं क्या करूँ, किससे पैसे मांगू, फ्रेंड से मांगे वो भी बोल रही यार मेरी सैलरी नहीं मिली मैं क्या करूँ अब, बहुत रो रही थी बहुत टेंशन में थी। तो मतलब वो क्लोज है आपके जो उनका बच्चा है आपके काफी क्लोज? हाँ जी मैं उसको बहुत जानती हूँ, मैं जब भी आती थी दीदी हेलो हाय ऐसे करता था, हम शाम के टाइम घूमते थे एंटी वंटी के साथ, तो वही तो मतलब अरुण आंटी वो आंटी ऐसी काम करती है, किसी घर पोछा लगा लिया किसी घर कुछ लगा लिया, बहुत अच्छी है वो दिल की। तो मतलब दूसरे का दुख देख के आप इतनी परेशान हो रही हो, यार क्या दिमाग है यार क्या दिल है यार आपका। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर आप उनकी हेल्प कर दो तो आप खुश रहोगे? हाँ किसी की हेल्प करना अच्छी बात होती है, एक अलग सी खुशी मिलती है आपको 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 मतलब हैप्पी, आप हैप्पी हो जाओगे अगर लाइक अगर आप उनकी हेल्प कर सके तो? हाँ जी मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। यार देखो हंसते हुए आप कितनी अच्छी लग रही हो, ऐसे हंसती रहा करो ना यार। मैं किसी का दुख नहीं देख सकती, उन्होंने मुझसे फर्स्ट टाइम किस चीज की। अच्छा देखो असल में मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास इतने तो है नहीं इस टाइम पे कि मैं कुछ भी कर सकूं, या मेरी तरफ से नहीं आप अपनी तरफ से हेल्प कर देना। असल में मेरा नाम एके मलिक है, ठीक है ना, तो यार मैं भी छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, ठीक है, तो मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ जितना हो सकता उतना, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, मेरे पास यार इतने तो पैसे हैं नहीं, मेरे पास तो फिलहाल यार 3,500 रुपये हैं, इतने दे सकते। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं किसी से ऐसे पैसे मांगूं? नहीं यार मेरे फ्रेंड्स होके वो मुझे नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ये पकड़ो आप पैसे लो यार प्लीज, आप बहुत अनजान हो मैं। अरे ये पैसे तो ये पैसे पकड़ो पहले, आप पैसे लो यार ये गिन लो, और मेरी तरफ से आप उनको दे देना आंटी को, मेरे पास पैसे नहीं है यार, 200 रुपए किराए के लिए है। एक्चुअली मैं ना वीडियो शूट करने के लिए आया था उधर, मैंने देखा यार ये लड़की बहुत देर से रो रही है, ठीक है। ऐसे आजकल ऐसे इंसान नहीं है मेरी तरह, लेकिन कोई यकीन नहीं करता ना। हाँ जी। असल में पता है क्या मेरा, मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ ना, तो मैं किसी की हेल्प करता हूँ ना, तो यार लोगों की सोच है, लेकिन हम अपना काम तो बंद नहीं कर सकते ना। एक्चुअली सच्चाई बताऊं, सच्चाई मैं आपके ऊपर ना सच बता रहा हूँ, मैं वैसे प्रैंकस्टर हूँ, एके मलिक नाम है मेरा, एके मलिक पे यूट्यूब चैनल है मेरी, 1,000,000+ मेरे सब्सक्राइबर है। मैं देखना चाह रहा था ये लड़की है क्या क्या नहीं है, इस टाइम ना ये रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, उधर मैंने ना कैमरा लगाया हुआ था, मैंने सोचा लड़की को हंसा देता हूँ थोड़ा सा, देखो उधर कैमरा लगा हुआ है। यार आप हंसते हुए सच में अच्छे लग रहे हो यार, प्लीज अगर ये लड़की हंसते हुए अच्छी लग रही है तो प्लीज एक पॉजिटिव कमेंट कर देना इसके लिए, और यार इसका दिल बहुत बड़ा वाकई में, यार सबका दिल ऐसा होना चाहिए कि यार किसी की हेल्प करने के लिए लड़की कितनी परेशान हो रही है, तो यार प्लीज। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, थैंक यू। नहीं यार मुझे आपका नाम? मेरा नाम एके मलिक है, मुझे थैंक यू एके मलिक, थैंक यू सो मच। मैं इनको ये जैसे कि इनने मेरी हेल्प की, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप भी ऐसे लोगों की हेल्प करो, ज्यादा नहीं थोड़ी सी करो, करो जितनी हो सके जितनी आपकी हो सके उतनी करो, क्योंकि एक हेल्प जरूर किसी ना किसी की हेल्प करके जरूर देखना, बहुत खुशी मिलती है। सही बात है, बहुत खुशी मिलेगी। मैं कहना चाहती हूँ एके मलिक को इसको फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, और बहुत इनकी वीडियो पसंद करो, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू यार, सॉरी। नहीं नहीं थैंक यू यार, लड़की ने मार भी दिया, बहुत तेज मार दिया यार, देख लो। सॉरी सॉरी, वही वाली बात है ना, एक तो हेल्प करो ऊपर से मार भी खाओ, लेकिन कोई बात नहीं, इसको पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, ठीक है यार। थैंक यू सो मच यार, अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना, बाय।